नमस्कार जी। नमस्कार भाई, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप गोवंश को बचाने के लिए, गोवंश को स्वावलंबी बनाने के लिए इतने अच्छे कार्य कर रहे हो, विभिन्न प्रकार के आविष्कार करते रहते हो, यहाँ पर गोबर गोमूत्र से प्रोडक्ट बनाने के लिए चीज़ें लाते रहते हो। तो यहाँ पर आपने जो जनरेटर लगाया है बिजली बनाने के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ये गोबर गैस का प्लांट है, ये 30 घन मीटर का प्लांट है। इसमें 30 घन मीटर का, 30 घन मीटर का पहले गोबर, कच्चा गोबर उसमें डाल के इसे मंथन करके, उस मंथन के माध्यम से और यहाँ हम लेके आते हैं इस गोबर को। इस गोबर से जो गैस उत्पादन होती है, उस गैस को सीधा ये पाइप देख सकते हैं, उस पाइप के माध्यम से जनरेटर तक पहुँचाते हैं। फार्मूला वही है जो LPG वगैरह चलता है, वही फार्मूला इसका है चलने का। इसमें 4 घंटा हम रोज चलाते हैं, 4 घंटा में कम से कम 15 लाइटें और 4 पंखे इससे हमारे रोज जलते हैं, और 4 किलो के 4.5-4 किलो रोज गैस का खपत होता है इसमें जी। इस डोम से रोजाना 10 किलो गैस का उत्पादन होता है हमारा जी। जी, ये डोम भी एक फैब्रिक का बना हुआ है, ये जो नई टेक्नोलॉजी है जर्मन की। अभी जो ऊपर लोहे का लगाते हैं तो उसको थोड़ा महंगा भी पड़ता है, और उसमें मेंटेनेंस की भी समस्या रहती है, काट आने की और कटने का भी रहता है संभावना जी। इसलिए नया प्रयोग हमने गुजरात के जो बनाने वाले भाई हैं उनसे लेके, और इसका नया प्रयोग हमने किया है। और इस गोबर गैस के अलावा हम जो चाटा बांटा बनाते हैं गायों के लिए जी, वो भी बची हुई गैस का उपयोग उसमें भी करते हैं, इस जनरेटर के अलावा जी। और साथ में हमने ये जो आप देख रहे हैं इस साइड में जी जी, ये डी वॉटरिंग सिस्टम, जो सैलरी आती है उसको डी वॉटरिंग करके, उसे पानी अलग करके और खाद अलग करके, उसकी भी खाद बनाने का प्रयोग हम कर रहे हैं यहाँ जी जी जी। और गोकास्ट भी हम यहाँ बना रहे हैं जी। इस जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए ये बैटरी की, 12 वोल्ट की बैटरी है, इसकी भी जरूरत पड़ती है एक बार स्टार्टिंग में करंट देने के लिए। बाद फिर वो बैटरी भी ऑटोमेटिक इससे चार्ज होती रहती है, डायनामो लगा हुआ है इसमें, इससे बैटरी भी चार्ज होती रहती है जी। तो जैसे आप दिन में इसको जैसे 4 घंटे चलाते हो, हाँ, तो पूरे दिन फिर इन्वर्टर चार्ज हो जाते हैं, पूरे दिन पंखे और लाइट जलेंगे। जितने दिन हमें जो पीक टाइम होता है लाइट का, जिस समय लाइट की ज्यादा खपत होती है, उस समय इसको चलाते हैं जी। तो उस समय हमारी बिजली, गौशाला की रोजाना की बिजली की बचत हो जाती है। जो पंचगव्य में उत्पाद बनाते हैं वहाँ इसका कनेक्शन है जी जी जी। तो वहाँ जब भी हमें जरूरत रहती है वहाँ तब इसको स्टार्ट करके चला लेते हैं। तो कितने रुपए में स्टार्ट हो गया आपका ये, कितने ये जनरेटर? कम्प्लीटली 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ हमारे इस जनरेटर पे जी। और ये अगर बायोगैस की बात की जाए, पूरा जो डोम वगैरह, पूरा जो सिस्टम लगा हुआ है इसमें, इंक्लूड वो डिवॉटरिंग मशीन और वो गोकास्ट की मशीन, इन सबको मिला के 6.5 लाख रुपए का हमारा सारा खर्चा आया इस पे जी जी। और अगर सिर्फ जनरेटर की बात की जाए, सिर्फ बिजली बनानी है किसी को, बिजली की बात करें तो सिर्फ 3 लाख रुपए में लगभग ये पूरा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कुछ संदेश मिलेगा समाज को भाई? गौशालाएं स्वावलंबन बनेगी, और जो छोटे छोटे किसान हैं वो भी गोबर गैस का प्रयोग करें, गाय का भी महत्ता बढ़ेगी, गाय लोग पालेंगे यदि गोबर का उपयोग होगा तो, गाय के गोबर की भी उपयोगिता बढ़ेगी और किसानों को भी फायदा होगा, आर्थिक फायदा होगा, वित्तीय फायदा होगा, उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कि जो ऐसा माना जाता है कि जो इससे गैस निकलती है, जिससे रोटी बनाते हैं, वो बहुत अच्छी रोटी बनती है जी जी जी। धन्यवाद।